उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ वो इतना बड़ा कैसे हादसा हो गया? अगर आपको यह समझना है तो आज की दो फोटो और वीडियो समझने के लिए काफी है। इस हादसे में 300 से ज्यादा के लोग मौत के आगोश में जा चुके हैं और हजारों की संख्या में जख्मी हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन देश का रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी फोटो और वीडियो बनवाने में मस्त है। जरा ये वीडियो देखिए कि कैसे रेल मंत्री, जिनके भरोसे करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं हर रोज, वो गए थे घटनास्थल पर जायजा लेने, लेकिन क्या कर रहे हैं और फोटो खिंचवाने के लिए कितना बेताब है या देखिए। जो बोगियां फंस गई थी टकराने के बाद, उनके बीच में रेल मंत्री घुस जाते हैं और पीछे पीछे ANI का कैमरामैन भी साथ हो जाता है। और जैसे ही रेल मंत्री उन फंसी हुई बोगियों से निकलते हैं, दनादन कैमरे की फ्लैश लाइट जल जाती है और फिर देश को बताने का काम ANI के जरिए राष्ट्रीय मीडिया को दे दिया जाता है कि मंत्री जी काम पर लगे हैं। अब जरा दूसरा वीडियो और फोटो भी देखिए कि यही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी जब दिल्ली से उड़ीसा बालासोर पहुंचते हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, तो सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहने हुए और अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर जा रहे हैं। यह दोनों वीडियो को देखिए, कुछ ही घंटों में दो वीडियो और दो फोटो देश के बताने के लिए जारी हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या रेल मंत्री जब फंसी हुई बोगियों के बीच जायजा लेने के लिए घुसे थे तो क्या उनको सेफ्टी नॉर्म्स नहीं पहनना चाहिए था? क्या सेफ्टी हेलमेट पहनने से उनका चेहरा ढक जाता, इसलिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, इसलिए कि वो सिर्फ फोटो खिंचवाने और आला कमान को दिखाने के लिए उसे हटा दिया और बाकी जगह हेलमेट लगाकर घूम रहे हैं? वाह वाह मंत्री जी, अरे मंत्री जी, जब आप ही सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं मानेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो फिर रेल मंत्रालय या आपके अफसर भारतीय रेल के सेफ्टी पर क्यों ध्यान देंगे? रेल मंत्री जी, आपको वहां राज्याभिषेक करने नहीं गए थे, वहां मौत का तांडव मचा हुआ था, कुछ तो सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखते मंत्री जी। कुछ ही दिन पहले 4 मार्च 2022 को हमने आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आपने ये दावा किया था कि रेलवे ने अपना कवच बना लिया है और आपने तो बकायदा उसका ट्रायल भी करके मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी कि अब दो ट्रेनों के बीच टक्कर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे, उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। कहा गया आपका ये सेफ्टी कवच? ये सेफ्टी कवच तीसरे लेवल का है जो बहुत कम देशों के पास है। कहां गया रेल मंत्री जी वो सेफ्टी कवच, कहां गया? यहां तो दो दो ट्रेन नहीं बल्कि तीन ट्रेन आपस में टकरा गई। रेल मंत्री जी, आपका तो सारा ध्यान वंदे भारत एक्सप्रेस का
गीता कटवाना तक सीमित हो गया है। रेल तो भगवान भरोसे चल रहा है, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कम से कम इस भयावह घटना के लिए जिम्मेवारी तो फिक्स कर दीजिए। और मोदी जी और वाह रेल मंत्रालय, वंदे भारत का फीता काटने के मौके पर आपने बहुत तेजी आ जाती है, लेकिन जहां लोगों की कटी हुई लाशें और शरीर के चितड़े पड़े हुए हैं वहां के लिए एक ट्वीट, सिर्फ एक ट्वीट और पैसों से मदद का ऐलान। साहब हर जगह हर चीज पैसे से नहीं तोड़ी जाती है, और कम से कम जिंदगी और मौत तो बिल्कुल नहीं। ये बात तो दर्शकों को पता होगी कि ओडिशा के बालासोर में कल शाम करीब 7 बजे के आसपास ट्रेन हादसा हुआ और आज पहुंचते हैं रेल मंत्री। 3 ट्रेन आपस में टकरा गए, 3 3 3। इनके टकराने से जो आवाज आई किसी धमाके से कम नहीं थी। लोगों की चीख पुकार बचाओ बचाओ ही सुनाई दे रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर नदी के ट्रैक पर जा गिरे, मतलब ट्रैक से बोगी नीचे गिर जाता है, और वहीं पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी, वहीं एक मालगाड़ी भी खड़ी थी। इस हादसे के बाद जब न्यूज एजेंसी ने एक चश्मदीद से बात की तो उसने बताया कि हमने देखा कि किसी का सिर नहीं था, किसी का पैर नहीं था, तो किसी का हाथ तक नहीं था, सब ऐसे ही पड़े थे। हादसे के समय दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, हमारी सीट के नीचे 1-2 साल का बच्चा था। एक चश्मदीद का ये बातें हैं, जब सुनिएगा ध्यान से। हमने उसे निकालकर परिवार को दिया, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। इस हादसे में इस दुर्घटना में मरने वाले की संख्या ऑफिशियल डाटा कहा देखा जाए तो 238 के पास पहुंच गई है और करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने का ऐलान कर दिया गया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, जबकि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है रेल मंत्रालय और भारत सरकार ने। एक ट्वीट प्रधानमंत्री ने भी किया है, लिखा है, उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाए, वाह, और घायलों को 50-50 हजार रुपए भी दिए जाएंगे, वाह मोदी जी, और वाह रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। वंदे भारत का फीता काटने के मौके पर आप में बहुत तेजी आ जाती है, लेकिन जहां लोगों की कटी हुई लाशें और शरीर के चीथड़े पड़े हुए हैं वहां के लिए एक ट्वीट और पैसों से मदद का ऐलान।